हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा। टुडे क्लास इज नाउ अगेन फॉर इकोनॉमिक्स। बच्चों, आज की क्लास इकोनॉमिक्स की हमने रखी है द मच डिस्कस टॉपिक व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू बी फॉर दैट इज प्लानिंग इन इंडिया। बच्चों, प्लानिंग इन इंडिया पे आज की क्लास है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज 2 to 3 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज दिस टॉपिक। कई बार 2 क्वेश्चन आए हैं सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सभी एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज में तो आते ही हैं। बच्चों, दिस इज अतुल सिन्हा फ्रॉम द दैट इज पैराडाइज स्टडी कैंपस, विच इज माई चैनल, एंड पैराडाइज स्टडी कैंपस के बिहाफ से मैं आपसे रोज 10:30, 10:40 के आसपास यहाँ पे रूबरू होता हूँ। और इसमें हमने 2-3 क्लासेज, मेघना वेलकम, हमने 2-3 क्लासेज इधर फिजिक्स की कराई है, एंड बिफोर दैट बायोलॉजी। अब आज फिर मैं दैट इज इकोनॉमिक्स की क्लास करा रहा हूँ। बच्चों, इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, चैलेंजिंग दैट इज टॉपिक्स है, एंड वी हैव सेवरल दैट इज लेक्चर डिलीवर्ड इन द नवंबर दैट इज मंथ। आप उससे गो थ्रू होइए। और आज का न्यू टॉपिक है, बिल्कुल न्यू टॉपिक एंड न्यू क्लेमर के साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस। बच्चों, आपको पता है कि इकोनॉमी इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी अवर पर्सन्स लाइफ। प्रीतम हेलो, कैसे हो? वेलकम टू माई दैट इज पैराडाइज स्टडी कैंपस। एक गरीब आदमी से लेके एक पुअर पीपल से लेके एक बड़ दैट इज अमीर आदमी तक, एवरीवन हैज टू पे टैक्स। सबको टैक्स पे करना है, एंड ऑल पर्सन्स आर अफेक्टेड बाय द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो से हम ज्यादा प्रभावित होते हैं, पता ही है आपको, है ना? दैट इज कीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर थे, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है काफी कुछ। दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, हाउ इट डेवलप, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। उन सब लेक्चर से आप जरूर से करें, है ना? अब आपको मैं बता रहा हूं, प्रीतम एनडीए में भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि प्लानिंग में, किस प्लानिंग में क्या इम्फेसिस था। एक बार मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं कि कैसे प्लानिंग हमारा बना, देन आफ्टर नीति आयोग, देन आफ्टर वी विल डिस्कस द जीडीपी ग्रोथ रेट, किस इकोनॉमी में प्लानिंग में कितना था, टारगेट क्या था, क्या अचीव हुआ था, ऑल दोज थिंग्स वी विल एबल टू डिस्कस। एंड फॉर यूपीएससी एनी टाइप ऑफ एग्जाम, आप ये मान के चलिए कि सभी टॉपिक बहुत ही ज्यादा वाइटल हो जाते हैं। बच्चों, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हमने एनडीए के सभी क्वेश्चन, सीडीएस के सभी क्वेश्चन, सीएपीएफ के सभी क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज के सभी क्वेश्चन हम अपने स्पेशल क्लास में, है ना, दैट इज अन एकेडमी के स्पेशल क्लास में लेके आए हैं। और इसका मैं फायदा आपको बताऊं कि 4th ऑफ अक्टूबर 2020 को जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम था, उसमें 3 क्वेश्चन मेरे एमसीक्यू के डायरेक्ट कराए हुए आए थे। तो इस तरह से आपको भी थोड़ा मेहनत पकड़ना पड़ेगा। फॉर द एसएसबी 2 ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ द दैट इज डिफेंस सर्विसेज, दे शुड टेक दिस क्लास एज ए मॉडल फॉर देयर दैट इज प्रिपरेशन इन द एसएसबी। केशव यादव नमस्कार। तो आप लोगों को एसएसबी के लिए भी जरूरी है, आपको अपने दैट इज जो एनडीए का रिटर्न एग्जाम है उसके लिए जरूरी है, सीडीएस सीएपीएफ के लिए तो बाइबिल की तरह है ही है। सीडीएस सीएपीएफ का क्लास मैं आपको अन एकेडमी के प्लस पे भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद स्पेशल क्लासेस भी लगती हैं, ठीक है ना? आर्यन शर्मा, देसी अतुल सिन्हा एमएससी एलएलबी, मेरी बातें कर रहा है आर्यन शर्मा, एमएससी एलएलबी बीएड आज मैं नहीं बोला हूं। आर्यन शर्मा, आज मैं नहीं बोला हूं, ठीक है, आज तुम बोल दो। आर्यन शर्मा, फिजिक्स की 2 क्लास हुई थी, देख लिया, कल की भी क्लास देख लिया, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक टू। अब आ जाइए बच्चों, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है कि सोवियत यूनियन ने, जो पहले अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन था, जो कि आज का रसिया है, उसमें 15 स्टेट निकल गए 1991 से।
तो अर्सवाइल सोवियत यूनियन एडॉप्टेड द नेशनल प्लानिंग फॉर द फर्स्ट टाइम उन्हीं का मॉडल है, उन्हीं से हमने लिया था। फर्स्ट सोवियत प्लान कमेंस इन 1928 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं। वर्ल्ड नॉट फुली अवेयर ऑफ द मॉडल्स ऑपरेंडी ऑफ द डेवलपमेंट प्लानिंग टिल द 1930। आपको पता है बच्चों की इकोनॉमी के 5 सेक्टर होते हैं, जिसमें 3 आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है कि एग्रीकल्चर वगैरह आता है, माइनिंग क्वेरिंग आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग आता है। और टर्शियरी सेक्टर में आपको पता है कि सर्विस आता है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप हुआ है ना, जो वर्ल्ड में, जो यूरोप में, जो अमेरिका में है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, तो उसके बाद प्लानिंग के बारे में कोई इस दट इज चर्चा नहीं थी। एंड द वर्ल्ड वॉज नॉट अवेयर अबाउट द प्लानिंग व्हाट आई एम टॉकिंग। एंड उस समय तक लोग, मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज्यादातर चला है यूएस में और दैट इज अदर यूरोपियन कंट्री। तो इसीलिए कहा गया है कि जब 1929 का ग्रेट रिसेशन आया, द ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन, आपको पता है कि 1929 में आया था विश्व आर्थिक मंदी, उस समय के बाद लोगों ने फिर उसके बाद प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू किया कि हाउ वी दैट इज वी बेल आउट द कंट्रीज फ्रॉम द दिस रिसेशन, क्योंकि वो बहुत लंबा चला था एंड 1945-50 तक चला। एंड द आफ्टरमैथ ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन वाज द फॉर्मेशन ऑफ दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो अब आ जाइए ईस्ट यूरोपियन का इकोनॉमिक्स। एक ईस्ट यूरोपियन और वेस्ट दो में है। आपको पता है कि ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक्स टू ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट इन 1920 एंड 1930 दैट मेड द वर्ल्ड अवेयर एज टू व्हाट इकोनॉमिक नेशनल प्लानिंग वाज ऑल अबाउट। क्योंकि आपको पता है कि जो कम्युनिस्ट दैट इज यूरोपियन कंट्री थे वो रशिया से प्रभावित थे, रेस्ट जो वेस्टर्न कंट्री थे वो अमेरिका से प्रभावित थे, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ है वो वेस्ट में हुआ है। जहां जहां कम्युनिज्म था, जिसका कि डेमिस हुआ है 1991 में आके, वहां वहां पे इकोनॉमिक दैट इज प्लानिंग, ज्यादातर प्लान्ड इकोनॉमिक अडॉप्ट किया गया। एंड इंडिया में क्या है कि इंडिया में सबसे पहली बात है कि आजादी के पहले ही, बिफोर इंडिपेंडेंस, द नेशनलिस्ट लीडर्स, द कांग्रेस लीडर्स, द फ्रीडम फाइटर्स ऑलरेडी हैज मेड अप देयर माइंड कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वी विल अडॉप्ट। ठीक है ना, तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की दैट इज दिमाग में खाका पहले से ही हमारे तैयार था। गांधी जी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फेवर में थे और नेहरू हैवी इंडस्ट्री के प्लानिंग के फेवर में थे। आपको पता है कि फर्स्ट जो प्लान बना था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें एक ही गांधीयन फिलॉसफी के मेंबर थे, 15 मेंबर कमेटी बनी थी, उसमें से एक गांधीयन फिलॉसफी के थे, बाकी सभी लोग उसके खिलाफ थे। और ज्यादातर इंडस्ट्रियल हैवी इंडस्ट्री का दैट इज एस्टेब्लिशमेंट हुआ है हमारे यहाँ, और उसके द्वारा इकोनॉमिक ग्रो करने का सेकेंड 5 ईयर प्लान जो महालनोबिस प्लान के नाम से जानते हैं। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स वी विल डिस्कस ए लिटिल लेटर, बट आपको मैं बता दूं कि यह हमारे यहाँ प्लानिंग ज्यादातर दैट इज हैवी इंडस्ट्री से शुरुआत हुई है। लेटर वी हैव एम्फसाइज ऑन द एग्रीकल्चर एंड अदर पार्ट ऑफ द दैट इज इकोनॉमिक दैट इज सेक्टर 2। द नेशनलिस्ट लीडर विद सोशलिस्ट इंक्लिनेशन ऑफ द erstwhile British colonies, ब्रिटिश कॉलोनी के ब्रिटिशर्स के चलते हमारा सोशलिस्ट था कि नहीं भाई सबको समानता का मिले है ना, समाजवाद के बारे में चर्चा करना उसके बड़े बड़े दैट इज प्रोपाउंडर थे हमारे यहाँ जो नेता लोगों में। 1930 में इन द पीरियड इंडियन हिस्ट्री में नेशनलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड एकेडमिशियन एडवोकेटिंग फॉर द नीड ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, 1930s में ही मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने कहने शुरू किया कि भाई हमारा आगे जब हम जब आजाद होंगे। आपको पता है कि 1929 में ही राबितर से दैट इज कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कि दैट इज कांग्रेस में जो लिखा हुआ है कि स्वराज, उसका मतलब है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज से हमको कुछ नहीं चाहिए, कम हम डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे।
तो उसके बाद अब लीडर्स ये सोचने लगे थे दैट दिस इज द ओनली द मैटर ऑफ टाइम, अंग्रेजों को तो जाना ही है, तो हमको प्लानिंग कैसे करना होगा, क्या करना होगा, तो हमारा को सोशलिस्ट इकोनॉमी चाहिए। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। अगर आप सोचिएगा कि प्लानिंग 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 ही रहा है, प्लान्ड इकोनॉमी यह रहा है, उस पर हमने काम किया है काफी लंबा, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी हमारी। At the time of independence, India did not aware and did not think that itself fit that we can make a world class that is articles or any products. India ko Rajiv Kumar Tiwari, welcome hai sir. ठीक है, आपको इंडिया में कोई भी मतलब ये सोचने के लिए तैयार नहीं था। जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे वो ये सोचते थे कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हैं जिससे कि वर्ल्ड फेम का चीज हमारे को तैयार हो और बाकी कंट्री उसको खरीदेगी। तो दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड द इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी कि हम अपना पहले इकोनॉमी ठीक करें, अपना सब चीज ठीक करें, एंड इट हेल्प अ लॉट। इसकी मैं आलोचना नहीं कर सकता, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, इसके बहुत फायदे भी हुए हैं। बट उसके बाद जब हमको मार्केट ओपन करना चाहिए था 1970 में, 75 में, 65 में, जब चाइना ने 70 में ओपन कर दिया और उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी अपना बदल दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दे वर द दैट इज टोटली कमांड सेंट्रलाइज इकोनॉमी इन देयर कंट्री, और उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, तो वो चीज हम जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाए। दैट वाज वी वर लैक देयर, हमने उस काम को काफी लेट शुरू किया है। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो हमारा 1991 में आया है वो भी लेट आया, और उसके बाद सो मेनी हिक्कप आर देयर। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो प्लानिंग का है। प्लानिंग कमीशन हैज बीन ए पॉलिटिकल बॉडी, जब बना था पॉलिटिकल बॉडी था, जब तक रहा इट वॉज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा नहीं थी। बच्चों उसके बाद आ जाइए विश्वेश्वरैया प्लान। विश्वेश्वरैया प्लान फर्स्ट ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग इज गिवेन टू द पॉपुलर सिविल इंजीनियर, है ना, सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने दिया, और ही वॉज द एक्स दीवान ऑफ द मैसूर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया इनकी बुक थी 1934 में। आइडियाज ऑफ द स्टेट प्लानिंग वर एन एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, दैट इज इन सिमिलर टू यूएस में भी था, एन एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का था इनका, दैट इज उसमें एम्फेसिस जोर था। ओके, एंड ए शिफ्ट ऑफ द लेबर फ्रॉम द एग्रीकल्चरल टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्री के तरफ जो हमारा दैट इज था। ओके, बहुत बढ़िया, एंजॉयिंग। आर्यन शर्मा, देखो राजीव कुमार तिवारी सर जो कि हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं, एंसेंट इंडिया पे इनको कमांड है, सभी हिस्ट्री की बहुत जानकार हैं, तो ही इज ऑल्सो विद यू। ठीक है ना, ए शिफ्ट ऑफ द लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज टारगेटिंग द टू डबल द नेशनल इनकम इन वन डिकेड। ठीक है, पहला जो इकोनॉमिक प्लानिंग का था 34 में, उसमें ये रखा गया कि हमको नेशनल प्लानिंग को डबल करना है। जब तुम सीडीएस में आओगे, जब एडमिशन लोगे तो पढ़ोगे ही इज टेकिंग क्लासेस एट द प्लस लेवल इन द सीडीएस ओनली। उसके बाद आ जाइए, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसको फिक्की कहते हैं, 1934 में नेशनल प्लानिंग को रेकमेंड किया है फिक्की ने, और इसके प्रेसिडेंट थे एन आर सरकार। ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवरिंग द होल गैमिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वाज नेसेसिटी। इन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है पूरा ऑलराउंड हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कॉल फॉर ए हाई पावर्ड नेशनल प्लानिंग कमीशन, इसकी वकालत की है एनआर सरकार ने जो फिक्की के चेयरमैन थे। ओके, लेट 19th सेंचुरी में है ना, एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जो कि आपको दैट इज बहुत बड़े लीडर थे एंड आपको गांधी जी के गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे और दादाभाई नौरोजी, जिन्होंने लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश रूल है, रूल नहीं है, मिस रूल है, अन ब्रिटिश रूल है।
और सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया है इन्होंने, दादाभाई नौरोजी ने, जिन्होंने कहा कि दैट इज ब्रिटिशर्स के आने के चलते वेल्थ हमारा ड्रेन होके ब्रिटेन में जा रहा है और इसका कितना बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, और ये लोग सबसे पहले दैट इज इंडियन दैट इज जागरूक इंसान थे, जिन्होंने नेता थे, जिन्होंने इंडियन का आंखें गोली कि भाई हमारा ब्रिटिश रूल से भारी नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई की नहीं जा सकती, और ये जो है दैट इज जो ब्रिटिश रूल है इसका इसका खामियाजा हम मतलब कि जो मुगलों के शासन है था या जो बाकी था दैट इज शासन दैट इज दिल्ली सल्तनत था उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्यों ज्यादा नुकसान हुआ है? तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट यहां से मनी दूसरे कंट्री में जा रहा है एंड दैट इज इमेजिनेबल अमाउंट ऑफ दैट इज मनी जो जाता था ब्रिटेन में, है ना। एक क्लर्क की भी सैलरी इतनी ज्यादा थी वहां पे कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता बच्चों। तो इन्होंने अन ब्रिटिश रूल पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल वेरी फेमस बुक लिखी थी दादाभाई नौरोजी ने। तो रनाडे और दादाभाई नौरोजी ने फेवर किया कि डोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी एंड दैट इज डाउटेड द प्रूडेंस ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म पे फोर्स पे चलता रहा था 1929 तक, ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन के पहले तक दुनिया में लोगों ने और ज्यादा पैसा कमाया, बहुत ज्यादा गैप बढ़ा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, है ना। देयर वाज नो कंट्रोल ऑफ द स्टेट, कोई वेलफेयर के नाम पे कुछ भी लोगों ने मतलब छोड़ दिया था, स्टेट्स का कोई रोल नहीं था, और पैसा जिन्होंने पूंजीपति थे वो और पूंजीपति होते चले गए, जो गरीब थे गरीब होते चले गए। तो किसी भी तरह का कंट्रोल दैट इज गवर्नमेंट के तरफ से और इंटरवेंशन नहीं था। तो इसी के उस पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो तुमको कीन्स ने आइडिया दिया था, मैंने लिख कराया है पहले कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कीन्स है, दिस थिंकिंग रीइंफोर्स्ड बाय द कीनेसियन आइडियाज। कीन्स ने कभी भी नहीं कहा है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट है जो दैट इज कैपिटलिज्म को छोड़ो, कैपिटलिज्म को छोड़ने की बात नहीं की है। कीन्स ने क्या कहा है कि ठीक है कैपिटलिज्म भी है, उसमें कुछ सोशलिस्ट एलिमेंट भी लाओ, कुछ चेक एंड बैलेंस लगाओ, कुछ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करो, कुछ वेलफेयर स्कीम करो। दिस वाज द मेन दैट इज कंसर्न ऑफ द कीन्स इन द वेक ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1929, और पूरी तरह से फेल हो गया कैपिटलिज्म का जो जो कंसेप्ट था वो फेल हो गया। एंड द न्यू डील इन द यूएसए एंड द सोवियत एक्सपेरिमेंट इन द नेशनल प्लानिंग के रूप में आया। उसके बाद आ जाइए कांग्रेस प्लान, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे दैट इज सुभाष चंद्र बोस 1938 में, एंड दैट इज सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, अक्टूबर 1938 में चेयरमैनशिप में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया। नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन अक्टूबर 1938 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एट दैट वेरी मोमेंट सुभाष चंद्र बोस। बोस की जितनी भी असहमति थी जवाहरलाल नेहरू से, दिस इज द अनदर इशू, बट बोस ने कभी भी नेहरू को खिलाफत करते हुए भी, बहुत सारे लेटर भी है मेरे पास जो कि बोस ने नेहरू की धज्जियां उड़ा देते थे, बट उन्होंने जाके वहां पे रेजिमेंट भी बनाया था, तो नेहरू गांधी और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे बनाया था, तो नेहरू को लीडर तो मानते ही थे, ठीक है। नेहरू की अध्यक्षता में उन्होंने बनाई थी एम विश्वेश्वरैया, जे आर डी टाटा, जी डी बिरला एंड लाला श्री राम, ये लोग सब इस उस कमिटी में थे नेशनल प्लानिंग कमीशन में, है ना। मेनी एकेडमिशियन थे, टेक्नोक्रेट्स थे, प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, सोशलिस्ट एंड कॉम्युनिस्ट, ऑल वर द मेंबर ऑफ दैट दैट इज कमिटी, नेशनल प्लानिंग कमिटी विच वॉज एस्टैब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। 15 मेंबर नेशनल प्लानिंग कमीशन विद द 29 सब कमिटी उसमें बनी, ए टोटल ऑफ 350 मेंबर्स प्रोड्यूस 29 वॉल्यूम ऑफ द रिकमेंडेशन। टोटल रिकमेंडेशन 29 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ बिटवीन 1940 to 45, एंड कमिटी हैड ओनली ए नॉमिनल एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। इससे कुछ आगे निकल के नहीं आया, फाइनल रिपोर्ट पब्लिश हुआ 1939 में।
The post-war reconstruction committee was established in early June 1941. जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब ब्रिटेन की पूरी तरह से कमर टूट गई, उसके बाद अब इट वॉज द मैटर, वो लग रहा था कि हाँ हमारा दैट इज आजादी बहुत पास में है, तो उसके बाद ये पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन कमिटी बनी थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी, गॉट इट. उसके बाद आ जाइए कंसल्टेटिव कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स बना 1941 में. चेयरमैन इसके थे रामास्वामी मुदलियार एज ए थिंक टैंक टू एडवाइस द फॉर द पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी के लिए. एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन 1944. ए सेपरेट मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर ऑन गोइंग एंड दैट इज कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज एस्टेब्लिश, है ना. अदसीर दैट इज आर देसीर दैट इज दलाल एक थे, दैट इज कंट्रोलर ऑफ द बॉम्बे प्लान, वॉज अपॉइंटेड एज वन ऑफ द एक्टिंग मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 1944. अभी हम लोग देखेंगे बॉम्बे प्लान के बारे में, ठीक है ना. एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड एस्टेब्लिश इन 1946 अक्टूबर. ओके, तो पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम 1920s, मतलब 20 के, दैट इज 1920s के दशक से ही वॉज वेरी वेरी कंसर्न ऑफ द नीड फॉर द डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन द कंट्री, है ना. सेंट्रलाइज प्लानिंग से डिसेंट्रलाइज के बारे में नेता लोग सोचने लगे थे 1920s के ही से ही, कि भाई हमारा जो अगला जो 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 आजादी के बाद हमारी जो इकोनॉमी होगी उसमें हम स्टेट्स को, है ना, दैट इज पंचायत को, इनको ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक पावर देंगे. बॉम्बे प्लान पे आ जाइए बच्चों. पॉपुलर टाइटल है प्लान ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया था, है ना इसका. एंड प्रिपेयर्ड बाय ए क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिया दैट इज लीडिंग कैपिटलिस्ट, में जो मैं बता दिया अभी उसमें मेन थे, है ना, 8 कैपिटलिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे. एक थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, लाला श्रीराम, है ना, कतुरबाई, लालबाई, है ना, एडी श्रॉफ, अदसियार दलाल एंड जॉन मथाई. जॉन मथाई तो बाद में मिनिस्टर भी रहे हैं. एंड इट वाज द प्लान वाज पब्लिश्ड इन 1944-45 में पब्लिश हुआ बॉम्बे प्लान. पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास वाज वन ऑफ द अमंग 15 मेंबर ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमीशन व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1938-2. ठीक है ना, क्लियर कट एग्रीमेंट इसमें बहुत था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की. क्या क्या था सम क्लियर कट एग्रीमेंट में? पहला था एग्रेरियन स्ट्रक्चर, कृषि के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, तो एबोलिशन ऑफ द ऑल इंटरमीडियरीज लाइक जमींदारी एबोलिशन, जो आपको बिहार बंगाल उड़ीसा में, है ना, जहां जहां पे जमींदारी थी, चाहे तुमको महलबाड़ी हो या रैयतबाड़ी हो, व्हाट काइंड ऑफ देयर दैट इज टैक्स कलेक्शन सिस्टम वाज देयर, तो जमींदारी में 20 साल के लिए जो दे दिया जाता था परमानेंट सेटलमेंट के रूप में, उसको खत्म करेंगे, ठीक है ना. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका मेन इशू था, कि एम्फेसिस ऑन द हेवी कैपिटल, हैवी कैपिटल गुड्स एंड बेसिक इंडस्ट्रीज. बॉम्बे प्लान हैड एलोकेटेड 35% ऑफ इट्स टोटल प्लान आउटले ऑन द बेसिक इंडस्ट्री, आधारभूत दैट इज उद्योग लगाएंगे, है ना. नेशनल प्लानिंग कमीशन एंड बॉम्बे प्लान बोथ वर इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ द एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, आवश्यक सेवा को बहाल करने के लिए, जो हमारे मूलभूत रोज रोज की चीजें हैं. मैं बार बार बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी था, कि भारत के लोगों को क्या जरूरी है उसको हम बनाएंगे. एंड प्रोमोटिंग द मीडियम स्केल, इससे हमारा इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुआ है, इससे ऐसा नहीं कि नुकसान हुआ है. उस समय हम अभी एक्सपोर्ट का सोच नहीं सकते थे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कोई ऐसा डेवलप नहीं हुआ था, और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, तो अगर हमने अपने इकोनॉमी को अच्छा किया, उसको अगर और मजबूत किया, तो इट वॉज गुड फॉर इंडिया. प्रमोटिंग द मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन सबको प्रमोशन मिला. एंड वॉन्टेड द स्टेट टू प्ले एन एक्टिव रोल, जो कि मिसिंग था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो यहाँ पे था कि स्टेट का भी रोल प्ले हो, रोल प्ले करे स्टेट, अगर वो वंचित लोग के, दैट इज वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए वेलफेयर स्कीम चलाए, है ना, जिसको मॉडर्नाइज करे, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाए. दीज आर द इशू मेजर्स ऑफ द सोशल वेलफेयर फेवर्ड बाय बोथ द प्लान्स, बॉम्बे प्लान एज वेल एज नेशनल प्लानिंग कमीशन वी आर टॉकिंग अबाउट.
ठीक है, डू अवे विथ ग्रॉस इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी से दूर रहना है हमको, है ना। और क्या करना है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना है। जैसे मैंने बोला प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जो ज्यादा अर्निंग है उस पर थोड़ा टैक्स लगा दो, और वो टैक्स को फिर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करो। क्लियर। एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। पूंजी एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, इसकी बात का किया है इन दैट इज बॉम्बे प्लान ने एंड नेशनल प्लानिंग कमीशन ने। गार्डियन प्लान आया बच्चों 1944 में, सिमरन नारायण अग्रवाल वाज द पर्सन हु फॉर्मुलेटेड द गार्डियन प्लान, इम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, इनका मेन जोर था एग्रीकल्चर पे, प्रोमोटिंग द कॉटेज एंड विलेज लेवल इंडस्ट्रीज। नेशनल प्लानिंग कमीशन एंड बॉम्बे प्लान वाज सपोर्टेड द हेडिंग रोल फॉर द हेवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, जबकि गांधीयन पॉलिसी में सबसे मेजर था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा जोर दिया गया। एंड द प्लान आर्टिकुलेटेड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था का दैट इज विकेंद्रीकरण करना मेन इश्यू था। सरकारी या कमीशन के रिपोर्ट में ऑलवेज आपको स्टेट को ज्यादा पावर देने की बात की गई है। सच टाइप ऑफ दैट इज एजम्पशन वाज देयर अलोंग दैट इज इनसाइड द गांधीयन पॉलिसी टू। और आपको पता है कि जो हमने हेवी इंडस्ट्री और उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का द्वारा हमने जो प्लानिंग का मॉडल चुना, हमने जो पीएसयू को एस्टैब्लिश किया, हमने जो आपको एक्वायर किया, दैट वाज नाउ हैव बीन प्रूव दैट इज नाउ ए डे इट हैज बीन प्रूव रॉन्ग। आज फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, एंड रीजन इज दैट कि जो हमारे पीएसयूज हैं उसमें कोई ऐसे लीडर निकल के नहीं आए हैं, ऐसे इनोवेटिव पर्सन निकल के नहीं आए हैं, अगर हैं तो वो उतना एक्टिव रोल नहीं प्ले किए कि सभी कंपनियों को फायदे में लेके जाए, और बाद में उसका खामियाजा इंडियन इकोनॉमी को भुगतना पड़ा। देयर वर सो मेनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन ऑल्सो देयर विच कंपेल द पीएसयूज टू गो इन द दैट इज डेफिसिट। ओके, एनपीसी नेशनल प्लानिंग कमीशन दैट द कांग्रेस ट्राई टू आर्टिकुलेट ए डिफरेंट व्यू ऑन दिस इश्यूज, जो कि गांधीयन से अलग था, ऑलमोस्ट टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम द गांधीयन आइडियाज। एंड अभी अभी हमने बताया कि जेसी है ना कुमार अप्पा, जेसी कुमार अप्पा जो थे लोन गांधीयन थे, है ना, ऑन द 15 मेंबर नेशनल प्लानिंग कमीशन by questioning the authority of National Planning Commission to discuss the plan for industrialization. Industrialization के द्वारा हमारा development होगा, इसका विरोध करने वाले गांधीयन that is economists जो में थे, एक ही मात्र थे, जेसी कुमारप्पा। Okay, next है कि एक people's plan आया था बच्चों, formulated by radical humanist leader जो थे M.N. Roy, चेयरमैन ऑफ द पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में जब भी नाम आएगा तो M.N. Roy का तो आपको पता ही है, ठीक है, मेजर रोल प्ले किए हैं। तो पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी इंडियन ट्रेड यूनियन के ये चेयरमैन थे। बेस्ड ऑन द मार्क्सिस्ट सोशलिज्म इनका बेसिस था, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, सोशलिस्ट मार्क्स के बेसिस पे इनका डेवलपमेंट का आइडिया था। बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल सेक्टर आर इक्वली हाईलाइटेड, इक्वल हाईलाइटेड था इनका। मार्क्सिज्म तो फेल हो चुका है, आपको पता ही है कि ना रशिया में चला ना चाइना में चला, ठीक है ना। सोशलिस्ट लीनिंग इन इंडियन प्लानिंग टू दिस प्लान, अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सोशलिज्म की तरफ झुकाव किस प्लान का था, तो पीपल्स प्लान जो था। द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ द मिड 90s में इसकी झलक आपको मिलती है। ओके, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 2004 में आल्सो थॉट टू हैव सम इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेम प्लान ऑफ द दैट इज मार्क्सिस्ट प्लान, जो दैट इज M.N. Roy का था, उससे प्रभाव होके इन्होंने अपना दैट इज एजेंडा में बनाया था, जो कि 2004 में NDA हार गई थी, है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म विद द ह्यूमन फेस इसमें था मेन इश्यूज, ठीक है ना। और उसके बाद द स्लोगन विद विच द इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन द अर्ली 90s, जो कि मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बने थे पीबी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में, हैज आल्सो रेजोनेंस ऑफ द पीपल्स प्लान, ठीक है। पीपल्स प्लान की झलक आपको वहां पे भी मिलती है।
कि जब 1991 में हमने फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म शुरू किया था, जब हमने दैट इज एफआईआईस को किया, बहुत सारे गोल्डन हैंडशेक स्कीम चलाए, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चलाए, ठीक है ना, बहुत सारे दैट इज बीमारू जो दैट इज इंस्टीट्यूशन थी, मीन्स की इंडस्ट्रीज थी, उसको बंद किया. ओके, नाउ बच्चों कम टू द पॉइंट. प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमिटी पब्लिश इट्स रिपोर्ट इन 1949. मार्च 1950 में द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप. ए कैबिनेट रिजोल्यूशन, एक कैबिनेट रिजोल्यूशन आया फर्स्ट का कि एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी होगा. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा नहीं है, किसी पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूट से नहीं बनेगा. एंड एडवाइजरी बॉडी होगा, एडवाइज करेगा. एंड ए थिंक टैंक ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, विद द प्राइम मिनिस्टर एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, एंड विद द प्रोविजन ऑफ ए डिप्टी चेयरमैन. प्लानिंग कमीशन का जो डिप्टी चेयरमैन होता था उसको कैबिनेट का दर्जा मिलता था, और वो दैट इज उसका चेयरमैन जो होते थे वो एक्स ऑफिशियो दैट इज चेयरमैन, खुद प्राइम मिनिस्टर होते थे. There is an open provision for the number of its member other than six union cabinet minister as its ex officio member and a member secretary. एक से member secretary होंगे, छह आपको के union cabinet से होंगे, और उसके बाद open provision होगा कि हम every walk of life से कहाँ से economy से चढ़ते expert को किसको किसको लाएंगे, ठीक है ना. इट इज एन ऑटोनॉमिक बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी था, इस पे कोई कंट्रोल नहीं था किसी का. कंसल्टेंट ऑन द चेंजेस प्रपोज, क्या चेंज आने वाला है, ठीक है ना. इसको हमने काफी नजदीक से देखा है बच्चों, कि जब तक वो प्लानिंग कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको लागू किया जाता था, तब तक पता चला कि हर चीज का रेट ही कई गुना बढ़ गया, ठीक है ना. तो ये बहुत ही मतलब कि सालों साल तक जो प्लान होती थी वो पूरी नहीं होती थी. खैर, उन सब पे चर्चा हम लोग करेंगे. लिंक विद द यूनियन कैबिनेट एट द सेक्रेटरी लेवल, पार्ट ऑफ द कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन था ये, एंड सीटेड एट योजना भवन. इसके लिए योजना भवन था, वहां पे ये प्लानिंग कमीशन की मीटिंग होती थी. प्लानिंग कमीशन वॉज ए टेक्निकल बॉडी टू. द कमीशन हैड एग्जीक्यूटिव पावर, दीज आर द फीचर्स आप देखेंगे. ओके, एंड दैट इज एपिटाफ ऑन द प्लानिंग कमीशन, है ना. दैट इज इसको चैप्टर बंद करने के लिए, है ना, मोदी सरकार ने कदम उठाया. एंड गवर्नमेंट दैट इज एनडीए की गवर्नमेंट जब 2014 में आई, तो मोदी ने तुरंत उसको कंक्लूड करने के लिए कमिटी बना दी. ऑन जनवरी 1st 2015 द गवर्नमेंट फॉर्मली एबॉलिश द प्लानिंग कमीशन बाय क्रिएटिंग द बॉडी नीति आयोग. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बहुत अच्छी तरह से हम लोग करेंगे आगे चल के बच्चों क्लास में, है ना. अभी तो प्लानिंग कमीशन हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं कि प्लान फाइव ईयर प्लान देख लेंगे. विद दिस देयर एंड एन एरा इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन दैट इज इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंस के बाद जो प्लानिंग कमीशन था और प्लान फाइव ईयर प्लान चलता था, रोलिंग प्लान होता था, और उसके इश्यूज एंड कंसर्न होते थे, वो एक अध्याय का अंत हो चुका है. इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस IEO ऑन द फॉर्मर विच वॉज सबमिटेड टू द PMO बाय लेट जून 2014 वॉज एस्टैब्लिश. And it conceived a top-down approach to the planning. Planning commission का क्या था कि top-down approach का मतलब कि हम ऊपर से कोई चीज लागू करेंगे और नीचे तक मतलब कि उस पॉलिसी को हम इंप्लीमेंट कराएंगे. प्लानिंग बना ऊपर से, सरकार ने कहा कि भैया ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरी है, ये पॉलिसी चलनी चाहिए, ये स्कीम चलनी चाहिए, यहाँ पे इस इंडस्ट्री को लगाओ, ऐसे करो, और उसको नीचे तक लागू किया गया. अब नीति आयोग में क्या है, तो बॉटम अप अप्रोच में क्या है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूट दैट इज डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो दैट इज स्टेट गवर्नमेंट है, उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपको कहाँ पे क्या जरूरत है, क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, और उसको सीधे फुलफिल कर दिया जाएगा. देयर इज नो मिडिल मैन लाइक द मिनिस्टर्स, दैट इज NDC की जरूरत पड़ेगी. पहले प्लानिंग कमीशन में डिस्कस होगा, उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जाएगा, वो फाइनल से करेगा. ऑल दिस दैट इज कंबर्सम एक्सरसाइज
is now and that is become history. Abhi itihas ban chuka hai. It conceived the top-down approach of thought to planning. Jo pahle tha. Planning commission in its current form and function a hindrance and not a help. ये आपको planning commission पे report आया है जबकि इसको abolish करने के पहले. Major recommendation इसके थे, that is planning commission के लिए क्या क्या थे कि planning commission be scrapped and replaced with the reforms and solution commission. ठीक है ना, reform and solution commission that is के द्वारा इसको रिप्लेस करो. किसका था? तो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस का. इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस जो बना उसमें विच शुड बी स्टाफ्ड विद द एक्सपर्ट विद द डोमेन दैट इज डोमेन नॉलेज एंड केप फ्री फ्रॉम एनी मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विच वी हैव आई हैव ऑलरेडी टेकन दैट इज स्टेटेड. कि मिनिस्ट्री का इन्वेंशन नहीं होगा, है ना, जिस जिस डिपार्टमेंट का जो नॉलेजेबल व्यक्ति होगा वो रिकमेंडेशन देगा, वो सेंटर से मांग करेगा. द न्यू बॉडी शुड हैव फुल टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेजर ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, एकेडमिक्स होने चाहिए, सो एज टू कैप्चर देयर कंसर्न एंड बेनिफिट फ्रॉम देयर एक्सपर्टाइज इन फॉर्मुलेटिंग द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. यूएसए में यही होता है बच्चों. यूएसए में आप देखिए कि वहां पे प्रेसिडेंट फिर अपना एक्सपर्ट ग्रुप एक बनाता है 10 से 12 और वो उनको मिनिस्टर बना देता है और सारे दैट इज वेरी सेंट्रलाइज मैनर में काम होता है और उसका दैट इज सीनेट का बहुत ज्यादा उस पर दबाव नहीं होता है. तो प्लानिंग कमीशन का स्क्रैपिंग एंड द कमिंग आउट ऑफ द नीति आयोग will that is its impact will be seen in near that is near future. Jaldi dikhai dega, but those who are concerned and the stakeholder in the different departments unko pata lag raha hai ki ha iske fayde kya ho rahe hain. Ab jaake middle man ka pura khatma ho chuka hai. जो मिनिस्टर के घर में लोग खाते पीते थे और जिनकी दाल रोटी उसी पे चलती थी वो सब बंद हो गया है. And that's why they are very much concerned about the government. अगर आप ठीक से देखेंगे बच्चों तो जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है वही गवर्नमेंट की इन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पे आ जाइए जो कि प्लानिंग कमीशन को फाइनली अप्रूव करती थी. इट वॉज सेट अप इन अगस्त 6th of August 1952 बाय द रिजोल्यूशन इशूड फ्रॉम द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. ठीक है ना, एनडीसी इनिशियली कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर उसके थे डिफेक्टो चेयरमैन बाय वर्च्यू ऑफ द इज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ही वाज द आल्सो हेड ऑफ द एनडीसी द सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स वर मेंबर द मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन वर द मेंबर एंड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एनडीसी हेल्ड ऑन दैट इज नवंबर 8, 1952 के 8 और 9 नवंबर को एनडीसी की पहली बैठक हुई थी. एनडीसी वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल and its function redefined by the cabinet resolution on the 7th of October 1967. ठीक है ना, reconstituted. NDC का reconstitution हुआ 1967 में और इसके लिए उसको redefine किया गया. NDC comprised the prime minister उसके बाद कहा गया 67 के बाद all union cabinet ministers होंगे. ठीक है ना, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होंगे, मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन होंगे. पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, सीएम ऑफ ऑल स्टेट थे, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन थे, लेकिन सभी के कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे. ठीक है ना, अब यूनियन टेरिटरी के भी सारे होंगे, ऑल स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी के होंगे. 1967 से कहा गया, इस तरह से इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया. एंड द बेसिक नेचर ओरिजिन एंड लीगल स्टेटस ऑफ द काउंसिल आर सिमिलर टू प्लानिंग कमीशन. फाइनल से उसी का होता था. Okay, this is all about the planning commission and all those things which we have discussed at length. बच्चों इसके बाद तो हम आपको है ना कई सारे MCQ बहुत सारी चीज कराएंगे जिसमें आपको all those things will be incorporated. First 5-year plan, 5-year plan की शुरुआत करते हैं बच्चों. First 5-year plan 1951 से 56 का था. लार्ज स्केल फूड ग्रेन इम्पोर्ट्स आज होता था उस समय. बहुत बड़े बड़े अकाल पड़ते थे. We were dependent upon the other country for our that is daily meal.
ना स्थिति ऐसी थी कि हमारे को खाने के लिए 2 शाम का रोटी नहीं होता था, एंड द प्रेशर दैट इज प्रेशर ऑफ द प्राइस राइज हाईएस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन। ये मैं जैसा मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत उस समय वही थी, उस समय हम और क्या सोच सकते थे जबकि हम 2 जून की रोटी भी नहीं खिला पा रहे थे अपने पीपल को, तो इसलिए हम एग्रीकल्चर पे जो ध्यान दिए इरिगेशन पे दिए। अबाउट 44.6% वॉज इन फेवर ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू बनाओ, सरकार के नीति को तटी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, ये इस पे जोर था। लॉफ्टी आइडिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच हैड फ्रस्ट्रेटिंग आउटकम्स, कुछ नहीं मिला, ये करेंगे वो, एक्सपेक्टेशन हाई था, लोगों में एक्सपेक्टेशन हाई था कि अब तो आजादी मिल गई, अब तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। पैसा उतना गवर्नमेंट के पास था नहीं, और हमने इरिगेशन पे जो किया वो बहुत ही कम था। आज भी हमारा इरिगेटेड लैंड बहुत ही कम है, ठीक है ना। वी आर नाउ दैट इज स्टिल वी आर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और उसमें हमारा जो डिपेंडेंस है वो ज्यादा मानसून पे है, ठीक है ना। हमारा दैट इज सेक्टर शहरी सेक्टर, नो डाउट दैट इज जीडीपी का मेजर कंट्रीब्यूटर है, बट पीपल्स आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर दैट इज प्रैक्टिस। ओके, तो सेकेंड प्लान आया 1956-61 में, इम्फेसिस ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द हेवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स, एंड डेवलप बाय प्रोफेसर महालनोबिस जो कलकत्ता के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे एंड स्टेटिशियन थे। ओके, ही हैड बेस्ड दिस दैट इज सेकेंड प्लान ऑन द रशियन मॉडल एंड क्लोज इकोनॉमी, बट ये ही वॉज ए इंडियन। क्लोज इकोनॉमी, शॉर्टेज ऑफ द फूड एंड कैपिटल वर फेल्ट ड्यूरिंग दिस प्लान, ठीक है ना। इकोनॉमी हमको खोलना नहीं है, बाहर के लोगों को हमको नहीं वो इनवाइट करना है ना। हमको लगता था कि हम तो मतलब कि दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी से इतना ज्यादा हम दैट इज रहे हैं प्रभावित, और उन्होंने हमारा शोषण किया है, तो हाउ द अदर कंट्री विल हेल्प अस, तो इसलिए हमारा इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी हुआ, और इससे मैं बता रहा हूँ बार बार कि इससे हमको फायदा भी हुआ है। थर्ड प्लान आ जाइए 1961 से 65 है, इनकॉर्पोरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अगेन। सेकेंड में आपको इंडस्ट्री पे था, फिर एग्रीकल्चर पे जोड़ा गया, एम इसका था बैलेंस एंड रीजनल डेवलपमेंट। ओके, 61 से 65 का मॉडल था, इन बिटवीन इसी में बहुत ही ज्यादा दैट इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वॉज देयर विद इंडिया, बिकॉज 2 वार्स इसमें हुए हैं। वन वॉज दैट विद द चाइना 1961-62, एंड वी डिफीटेड बाई चाइना हेविली, बुरी तरह से हमारा एक बहुत बड़ा इलाका तिब्बत का चला गया, एंड पाकिस्तान के साथ हुआ 1965-66 अलोंग द गुजरात बॉर्डर, एंड ए सीवियर ड्राउट लेड फेमिन वॉज ऑल्सो देयर इन 1965-66। तो घटनाएं बहुत घटी बुरी, ठीक है ना। चाइना के साथ हमको डिफीट मिला, 65-66 में हमने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, बावजूद इसके फेमिन रहा उस समय, अकाल पड़ा, हेवी ड्रेन एंड डाइवर्जन ऑफ द फंड्स अटली फेल टू मीट स्ट्रेटजी और टारगेट। ओके, तो ये तो उस समय का पीरियड जो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन था, उस समय हम अपने सेल्फ रिलायंट हुए नहीं थे, एग्रीकल्चर हमारा बेस होते हुए भी हम अपने पीपल को खिला नहीं पाते थे, और अमेरिका से ऐसे ऐसे अनाज आते थे और मक्का आता था जो कि वहां सुअर को खिलाया जाता था, वो पीपल को खाना पड़ता था, सारे अनाज आते थे, एंड द पीपल वर टोटली दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर कंट्री फॉर टू 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 मीट द बोथ एंड। ओके, उसके बाद 3 छोटे छोटे प्लान आए हैं बच्चों, जिसको एनुअल प्लान कहते हैं, 3 एनुअल प्लान वर देयर बिटवीन द 1966-1969। फोर्थ प्लान वॉज रेडी टू इम्प्लीमेंट इन 1966, बट लो मोराल आफ्टर द डिफीट ऑफ द चाइना, है ना, डिसकंटिन्यूइंग इन द प्लानिंग प्रोसेस, उतना लोगों को हिम्मत नहीं हुआ कि हम 5 ईयर प्लान लाए, तो डिसकंटिन्यूटी इन द दैट इज प्लानिंग प्रोसेस विल सीन एज द प्लान वर सपोज टू बी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, ये लगा कि नहीं हो सकता, द नेम दे नेम डिट ए पीरियड ऑफ प्लान होलीडे,
है ना, टर्म वॉज गिवन बाय द क्रिटिक्स एंड अनपॉपुलराइज बाय द कॉन्टेम्प्रेरी मीडिया। कहीं पे भी गवर्नमेंट के किसी भी गजट में ना तो इसकी चर्चा है कि ये रोलिंग प्लान थी, ना प्लान हॉलीडे था, ऐसा कुछ नहीं है, ये मीडिया ने बनाया है। ओके, उसके बाद आ जाइए 1969-74 में फोर्थ प्लान आया, ठीक है ना, बेस्ड ऑन गार्डगिल स्ट्रेटजी। गार्डगिल का टैक्स रिफॉर्म में बहुत सारे काम है, तो उनके स्ट्रेटजी पे बेस्ड था। आइडिया ऑफ द ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, पहली बार ये टर्म आया, एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस, हम अपने आप में निर्भर रहेंगे। ड्राउट एंड इंडो पाक वार अगेन हैपन इन दिस पीरियड इटसेल्फ, 71-72 में फिर पाकिस्तान से लड़ाई हुई जिसमें बांग्लादेश को आजाद कराया इंडिया ने। लेट द इकोनॉमी टू द कैपिटल डाइवर्जन, क्रिएटिंग फाइनेंशियल क्रंच फॉर द प्लान, है ना, 1,00,000 सेना ने नियाजी के उसमें जो सरेंडर किया था उसको हम लोग कई महीना तक रखना पड़ा, उसको खिलाना पड़ा, दैट इज फंड फॉर डाइवर्जन वॉज देयर। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्लानिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लान इटसेल्फ, 1969-74 का जो फोर्थ प्लान था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है बच्चों। ओके शिवम कुमार वेलकम। ओके उसके बाद आ जाइए कि आपको दैट इज इसमें दैट इज फोर्थ प्लान इटसेल्फ द डबल डिजिट इन्फ्लेशन चला गया। इन्फ्लेशन डबल डिजिट मतलब 10 के 9 के ऊपर 10 से ज्यादा चला गया। मुद्रास्फीति, ठीक है, राइज इन प्राइस एंड अनरीजन इंक्रीज इन द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना, फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा बढ़ गया। सब्सिडी इंड्यूस हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, अभी आपको पता है कि प्लांड एंड नॉन प्लांड एक्सपेंडिचर दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। शिवम कुमार कैसा लग रहा है, हाउ यू आर फीलिंग हियर, प्रीतम भी आए थे, केशव भी आए थे, एंड नाउ यू हैव ज्वाइन, तो दिस इज क्लास फॉर इकोनॉमिक्स। अगर आप बार बार आएंगे, कभी सुनेंगे अच्छी तरह से, तो यू विल गेट बेनिफिटेड। दिस क्लास इज फॉर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एनडीए, एक्सवाई ग्रुप, सिविल सर्विसेज, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी के लिए है बच्चों, और सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो गए। आई हैव ऑल क्वेश्चन इन माई माइंड कि कब कब क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, और आपको प्लानिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस लेक्चर, इट टेक इट एज बाइबिल, और आप इसको अगर देखेंगे तो आपको एसएसबी में भी हेल्प होगा बच्चों, और हर तरह के दैट इज इंटरव्यू में भी आप अच्छा अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चला गया था, सब्सिडी जो सरकार का एक मेन पॉलिसी है, मतलब कि इकोनॉमिक फेल्योर का इंडिया में एक मेजर कारण है कि सब्सिडी, सरकार आती है, बहुत अच्छा, सरकार आती है, इलेक्शन आ जाता है, इलेक्शन के पहले वो सभी किसानों का माफ कर देती है कर्ज, कहीं अम्मा का किचन चल रहा है, कहीं पे दैट इज 2 रुपए किलो चावल का चल रहा है स्कीम, और सारा बोझ बन रहा है गवर्नमेंट पे, ठीक है, उसका खामियाजा फिर पीपल्स को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है ना, जो टैक्स पेयर है उनको लगता है कि ये सब घाल मेल है। तो ऑल दीज थिंग्स दैट इज रिजल्ट इन टू दैट इज अनऑर्गेनाइज ग्रोथ, और उसका खामियाजा सब्सिडी इंड्यूस हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी मोदी सरकार ने खत्म किया है ना, द फर्स्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द नेशनलाइजेशन एंड ग्रेटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, ये फीचर था। तो पीएसयू तो हमने बनाया ही, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो हमने एस्टेब्लिश किया, और साथ साथ में हमने जो पुराने प्राइवेट थे उनको भी नेशनलाइज करके और उसका कंट्रोल सरकार ने ले लिया, और वो सब धीरे धीरे घाटे में चलते गए। ये हमारी इकोनॉमी का मेन दैट इज लैकुनी रहा है, ड्रॉबैक रहा है। सैलियंट फीचर जो था फोर्थ प्लान का क्या था, कंटिन्यूड अनचेंज्ड टिल द अर्ली 1990s, ठीक है ना, ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन एंश्योरिंग प्लान आफ्टर प्लान, ठीक है ना, सेंट्रलाइज इकोनॉमी और प्लान, एक प्लान के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ये सब मतलब सारे प्लान कर रहा है 1990 में जब मनमोहन सिंह फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया, प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, तब हमको लगा कि हाँ हम इतने बड़े बड़े पीएसयूज को लेके और हम घाटे में जा रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया।
फिफ्थ प्लान आ जाइए बच्चों 1976 से 79 में है, फोकस ऑन द पॉवर्टी एलिविएशन था, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा था इसमें, गरीबी हटाओ, आज तक गरीबी नहीं हटा, एंड सेल्फ रिलायंस। और राजीव गांधी तुमने सुना होगा कभी बच्चों की कहते थे कि एक रुपया हम पैसा भेजते हैं तो 10 पैसा लोगों को मिलता है और बाकी सब बिचौलिए खा जाते हैं। अरे भैया, तो तुम बैठ के वहां पे प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे थे? आज देखो कि डिजिटल इंडिया हुआ है, आज तो मतलब कि डायरेक्ट दैट इज फंड ट्रांसफर हो रहा है अकाउंट में, उसके कितने फायदे हो रहे हैं। ये बच्चों मैंने टॉपिक आज से 10 साल पहले 12 साल पहले पढ़ाया है बहुत अच्छी तरह से। ब्राजील का एग्जाम्पल देखे, ब्राजील के कंट्री थी जिन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चलाया था जिसका नाम था बोलसा फेमिलिया। वहां के प्रेसिडेंट थे है ना लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा। लुला डा सिल्वा ने वहां स्कीम चलाया था कि जो सरकारी क्षेत्र के जो बेनिफिट के बेनिफिशियरी के अकाउंट में सीधे बैंक में अकाउंट में पैसा जाएगा उसी की नकल यहाँ पे किया गया है और आधार कार्ड और ये वो लाया गया है। बट इम्प्लीमेंटेशन वाज सो लेट, ठीक है ना, क्योंकि आधार पे इतने पैसे खर्च हुए हैं और पीपल्स में भी अवेयरनेस नहीं है, तो जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं, नहीं तो ये सब काफी पहले हो जाना चाहिए था, ठीक है ना, कि जो भी पॉलिसीज का जो बेनिफिट है वो सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जाए। और क्यों हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्यों नहीं एबल बना रहे हैं, क्यों नहीं गवर्नमेंट फैसिलिटेटर बन रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो कि आज के डेट में हो भी रहा है, वो सबको दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप प्लानिंग का, अगर आप सभी डेटा के साथ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के भाषण को सुनिए और वहां पे जो डेटा मिल रहा है जाके सुनिए, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा किसी के पास जवाब नहीं होता है वहां पे कि हाँ जितना भी दैट इज डेवलपमेंटल सा काम सरकार कर रही है, इट इज क्वाइट अमेजिंग। इसमें बहुत सारे ग्रीवांसेज हो सकते हैं, बट इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट इज डूइंग ट्रिमेंडस जॉब इन द डेवलपमेंट एरियाज। दैट इज आप आज ही आपको कोची में एक दैट इज ऑयल दैट इज पाइपलाइन का उद्घाटन पीएम ने किया है, उस भाषण को बच्चों तुम लोग देखो ठीक से, तो उसमें पता चलेगा कि उसके प्रोज एंड कॉन्स और उसके बेनिफिट किस तरह से गिनाया गया है और उन्होंने क्या कहा है कि हाँ पिछले 26 सालों में जितने पाइपलाइन बने हैं वो उसके आधे समय में उससे ज्यादा हमने बनाए हैं। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो रहा है। हमने आज से 5 साल पहले भी सिविल सर्विसेज को बच्चों को जो बताया है कि जाके देखो कि तिब्बत में क्या हो रहा है और दैट इज कश्मीर में किस तरह से बॉर्डर पे क्या क्या काम हो रहा है, बच्चों ने आके बोला कि यह सर वैसे ही हो रहा है वहां पे, तो क्वाइट अमेजिंग काम हो रहा है। आज का जो हमारा जो जो चाइना और पाकिस्तान को जो हमारा रेस्पॉन्स है वो कभी उन्होंने सपने में भी सोचा नहीं होगा, ठीक है ना। आर्मी हेडक्वार्टर से मेरा डायरेक्ट मतलब कि हैक टॉक है, जो हमारे साथ काम करने वाले हमारे लोग हैं वो लोग बताते हैं कि भैया 70 साल में कभी भी ऐसा आर्मी में काम करने का मौका नहीं मिला था, देखा नहीं गया था इस तरह का फेवरेबल कंडीशन कि जब जो रिक्वायरमेंट हो पूरा हो रहा है। एंड गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग हेविली ऑन द डिफेंस सेक्टर टू विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमको जरूरी है कि हम एकदम बिल्कुल हमारी दैट इज गवर्नमेंट अदर कंट्री से हमारी सुरक्षा बनी रहे, ठीक है ना। हम बजट के एम पे चर्चा करेंगे, काफी चीज चर्चा करेंगे जिसमें कि है ना चिदम्बरम ने क्या कहा था 2008 के बजट में, मैं बोला था, तो उसमें ऑल थिंग्स में आपको यही दिखाई देगा कि भाई जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक हमारे पास दैट इज सिक्योरिटी नहीं होगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर क्राइम होगा, अगर लोगों में विश्वास नहीं होगा, तो इन्वेस्टर ना आएंगे, ना यहाँ का पैसा मार्केट में निकलेगा डेवलपमेंट के लिए। पूंजीपति भी अपना पैसा लेके बैठ जाएंगे। अगर रोज अगर अगर आपको अपहरण होगा, अगर हत्या होगी, तो कहां से तुम सोच रहे हो कि गवर्नमेंट मतलब पीपल्स पैसा लगाएगी? सरकार के पास उतना है नहीं जो इतना डेवलपमेंट कर दे। वी आर डिपेंडेंट अपॉन द FDI। चाइना को इसने चाइना ने इसको 1970 में समझ लिया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट मनी टू यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट। ये आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा, अभी भी समझा रहा हूं कि बिना किसी इंटरेस्ट के हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, उससे कोलैटरल डेवलपमेंट होता है और उसी पे मोदी सरकार ज्यादा जोर दे रही है और उसके फ्रूट आने में सालों लगते हैं, नो डाउट, क्योंकि आज हमारा डील होगा तो आज ही पैसा कोई कंपनी ने आके नहीं लगा देगी, वो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल में लगाएगी और उससे जो ग्रोथ होगा वो उसके बाद उसका फल दिखाई देगा। एंड द थिंग इज दैट
कि वी कांट डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट फॉर द दैट इज जॉब्स बाय द ऑल पीपल, सभी लोगों को हम एक गवर्नमेंट सरकार दैट इज गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइडर नहीं है, फैसिलिटेटर है एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग गुड जॉब. देर आर सो मेनी लैकुनी माइट बी, आप असहमत हो, हम असहमत हो, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपको उसकी इच्छा नहीं पूरी, ऑल दोज थिंग्स आर देयर. बट जो हम देख रहे हैं, अगर हमने पिछले 50 साल का इकोनॉमी का अगर ठीक से एनालिसिस किया हुआ है, अगर पूरे 200 साल का किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड का किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट में अच्छा काम कर रही है. फिफ्थ फाइव ईयर प्लान 74 से 79 में आ जाइए बच्चों. यहाँ पे भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था. 75 में इंदिरा गांधी ने दैट इज इमरजेंसी लगा दिया था 25 जून को. फोकस ऑन द पॉवर्टी एलिविएशन एंड सेल्फ रिलायंस था. रियोटिक ऑफ द पॉवर्टी एलिविएशन, वही कि हम हटाएंगे हटाएंगे नारा दिया, खाली नारा दिया, वाज है ना सेंसेशनलाइज्ड बाय, है ना, उसको एकदम सेंसेशन की तरह शुरू किया. हाँ, बाय लॉन्चिंग ए फ्रेश प्लान, है ना, 20 सूत्री योजना, 20-point प्रोग्राम, अलग से इंदिरा गांधी का नारा था 20-point 20-सूत्री प्लान के नाम से, विथ मार्जिनल इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. ठीक है ना, बहुत ही कम, खाली पॉलिटिकल गिमिक था. अगर उसमें कुछ भी काम हुआ रहता, है ना, प्लानिंग प्रोसेस गॉट मोर पॉलिटिसाइज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया. न्यू फंक्शन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्टेबलाइज द इन्फ्लेशन. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकर्स बैंक है, उसको होना चाहिए था बिल्कुल इंडिपेंडेंट. तो इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने के लिए तुम काम करो जी. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दैट इज कर दिया गया अमेंडमेंट. इंक्रीज इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, जिससे बढ़ता गया सोशियो इकोनॉमिक रीजनल डिस्पैरिटी और बढ़ा, है ना. ओवरऑल डिके इन द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट का जो रोल था उससे गवर्नमेंट अलग हट के अपना जो है टोपी दूसरे को पहनाने का कोशिश करी, भैया तुम करो, तुम हमारा मनी को भी स्टेबलाइज करो, तुम पूरा कंट्रोल भी करो, बैंकर्स बैंक भी हो जाओ, इन्फ्लेशन को भी चेक करो. अरे ये तो बहुत टफ काम है बच्चों, इन्फ्लेशन को चेक करना. हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन दोनों एक दूसरे का दैट इज इनवर्स रिलेशन है. Overall decay in the quality of government and criminal politician bureaucrat seem to emerge for the first time to hijack the political system. है ना, उसके बाद तो आपको अपहरण की राजनीति चलने लगी. Criminalization of the politics हुआ. At the time of emergency जब 1975 में किया था इंदिरा गांधी ने, जनता government did cut short the fifth plan. By year ahead, that is in 78, 77, 78, in place of decided that 78, 79, एक कट कर दिया जनता गवर्नमेंट ने, उसको पहले अर्ली में खत्म कर दिया. And sixth plan for the period 78, 83 लेके आई जनता पार्टी की सरकार, जिसमें मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर सबसे पहली बार बने थे, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट. द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज फॉर्म इन 1977. हालांकि although he was a ex-congressman, 1969 में ही कांग्रेस से अलग हो गए थे और महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे. तो उन्होंने इकोनॉमिक दैट इज सिक्स प्लान लेके आए, वाज लॉन्च ए न्यू गवर्नमेंट कॉल इट एज द रोलिंग प्लान, इसको नाम दिया गया. द नेक्स्ट सिक्स प्लान फॉर द पीरियड 80-85, उसके बाद आ गया जनता पार्टी की सरकार, गिर गई फिर से जनता पार्टी की सरकार में, बहुत ज्यादा मतलब कि कलह हो गया, है ना. एक राजनारायण थे लीडर, उसके बाद इंदिरा गांधी का मामला हुआ, सो मेनी केस, मतलब 2-2.5 साल के बाद ही 1980 में फिर से नारा आया कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे. 1980 में अगेन इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस अगेन कम इन पावर. टू फाइनेंशियल ईयर ऑफ द जनता गवर्नमेंट, सिक्स प्लान हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, इस बीच में खत्म हो गया. द फर्स्ट ईयर 78-79 वाज एडेड टू द फिफ्थ प्लान विच वाज कट शॉर्ट बाय द जनता पार्टी टू द फोर ईयर. ठीक है ना, जो अब जब कांग्रेस की सरकार आई तो फिर एक साल लेके जोड़ दिया 78-79 में. एंड द फिफ्थ प्लान ऑफिशियली बिकेम ए फाइव ईयर प्लान 74-79 के लिए. ओके, द सेकेंड दैट इज जो फिफ्थ प्लान था ऑफिशियली, वो 5 साल के लिए फिर 74-75 में 79 में रखा. कांग्रेस ने कहा कि नहीं, वो 79 तक चला था, है ना, हटा दिया दैट इज जनता पार्टी के.
उसको कि एक साल कट डाउन किया था एंड द सेकेंड ईयर 79-80 जो जो ईयर था कांग्रेस दैट इज जनता पार्टी का ईयर ऑफ वन एनुअल प्लान 79-80 कर दिया इंदिरा गांधी ने फिर आके कंसिडर द लोन इंडिपेंडेंट ट्रीट दैट इज रेमनेंट ऑफ द रोलिंग प्लान ऑफ द जनता गवर्नमेंट ठीक है तो इसके बाद जनता पार्टी की सरकार के दैट इज एक साल पहले खत्म करने का जो कांग्रेस का कांग्रेस के फाइव ईयर प्लान को था उसको कांग्रेस ने फिर आके 80 में एडजस्ट कर लिया वन ईयर 78-79 को जोड़ दिया पहले वाले प्लान से और फिर फिफ्थ प्लान से और एक साल का अलग से फिर एनुअल प्लान लेके आई देन सिक्स प्लान जो 78-83 जो जनता पार्टी ने दैट इज कहा था कि ये रहेगा हमारा जनता पार्टी का प्रपोज था ठीक है उसमें क्या क्या था बच्चों ये देखना जरूरी है आप समझ गए होंगे आई थिंक कि हमने बताया कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी जो प्लानिंग थी 74-79 थी 79 के पहले ही 77 में कांग्रेस फिफ्थ प्लान थी तो कांग्रेस की सरकार चली गई जनता पार्टी की सरकार आई जनता पार्टी की सरकार ने फिर 77-83 प्लान लाई अब फिर 83 के पहले 80 में ही कांग्रेस आ गई तो उसने एक साल लेके अपने पहले प्लान में जोड़ दिया एक साल का फिर एनुअल प्लान कर लिया अब जो जनता पार्टी की सरकार जो जो सिक्स प्लान दिया था 1978-83 के उसमें क्या क्या इश्यूज थे वो हम लोगों को देखना है न्यू इकोनॉमिक आइडियाज था इसमें आइडियल्स विद ऑलमोस्ट कंप्लीट नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई को पूरी तरह मना कर दिया न्यू दैट इज थ्रस्ट ऑन द प्राइस कंट्रोल उस समय प्राइस का ऐसा हाल था कि दैट इज जो कोटा रेट से जो होता है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो पैसा दैट इज सुगर था उससे सस्ता मार्केट में हो गया था मधु दंडवटे वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर जनता पार्टी की सरकार में मधु दंडवटे थे जिनको बाद में अमिताभ बच्चन ने हरा दिया था देखा ना रिजुविनेशन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस को बहुत मजबूत किया गया एम्फेसिस ऑन द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे जोर दिया गया एंड न्यू लीज ऑफ द लाइफ अप टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसको बहुत मजबूत किया गया गॉट इट नाउ द सिक्स प्लान वॉज अगेन लॉन्च बाय द कांग्रेस व्हेन द इंदिरा गांधी केम इन टू पावर इन 1980 से 84 इंदिरा गांधी रही है 84 में 31 अक्टूबर को उनको दैट इज एसेसिनेट कर दिया है ना दैट इज सिख उनके बॉडीगार्ड्स ने द लॉन्च विद द स्लोगन ऑफ द गरीबी हटाओ अगेन एंड द नेशनल लेवल प्रोग्राम एंड स्कीम्स एम एट ए स्पेसिफिक कंसर्न एंड एरिया ऑफ द डेवलपमेंट टारगेट द ग्रुप अप्रोच दैट इज ग्रुप अप्रोच तो दिस इज द ऑल अबाउट बच्चों सिक्स प्लान तक हमने आपको करा दिया आज है ना उसके बाद 8, 9, 10, 11 ये सब हम लोग करेंगे बाद में और उसके बाद नीति आयोग पे डिस्कस होगा नेक्स्ट क्लास में तो इट इज वेरी पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट आई एम लाइव दैट इज ऑल दैट इज यूज्ड टू लाइव एट 10:30, 10:40 10 बज के 30 मिनट पे या 40 मिनट पे रोज रात में मैं लाइव होता हूँ बच्चों एक टाइम हमारा फिक्स है एंड सम टाइम इवनिंग में भी मैं आता हूँ 6-7 o'clock लेकिन बच्चों सीडीएस सीएपीएफ एनडीए के बच्चे जो यहाँ रेगुलर आएंगे जो आ रहे हैं जो पहले दिन आए हैं वो अपना मेरी क्लास प्रीवियस क्लास देखें प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखिए अगर आपको अच्छा लगता है शिवम है ना तो बहुत मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको मैं एमसीक्यू भी यहाँ कराने के लिए दैट इज रेडी हूँ वी विल डू द एमसीक्यू व्हेन वी विल डू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेक्चर यहाँ पे हो जाएगा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ऑल टॉपिक्स वी आर डिस्कसिंग अभी ज्योग्राफी हमने शुरू नहीं किया है करंट अफेयर की क्लास हमने ली है उसमें हमने डिफेंस रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स अभी डिस्कस करने हैं तो जस्ट वी हैव स्टार्टेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में काफी लेक्चर हमारे आपके पास आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के काफी लेक्चर आ चुके हैं एंड दैट इज रेस्ट पार्ट विल कम इन द सिक्वेंशियल वे बहुत जल्दी जल्दी आएगा और डेली आएगा बच्चों तो आपको यहाँ पे गो थ्रू होना है मेरे प्रीवियस क्लासेस से एंड इफ यू हैव एनी आइडिया बच्चों बिकॉज ऑफ द फैक्ट यू ऑल आर पार्टिसिपेंट मेरे कुछ पुराने दैट इज काफी ही जरूरत दैट इज बच्चे ऐसे हैं जो काफी लेक्चर को पसंद करते हैं उनके डिमांड पे मैं सारा क्लास लेके आता हूं एंड दे फील वेरी दैट इज अनसेटिस्फाइड विद द जीएस
कि जीएस बहुत ट्रेंडी है, तो माई दैट इज ड्यूटी इज दैट टू मेक इट वेरी इजी। अगर आपको कहीं पे भी कमी लगे बच्चों तो जरूर आप मेरे फोन नंबर 7982650635 या दूसरा नंबर है 9891504500, या आपको कोई क्लास लगे कि ये रिक्वायर्ड है या टॉपिक लगे कि रिक्वायर्ड है, शिवम दैट इज प्रीतम सभी बच्चों को, मेघना सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ, दैट इज यश अग्रवाल Whoever is there, सबको मैं कह रहा हूँ कि आप अपना डिमांड भी रख सकते हैं कि हाँ हमको ये इम्प्रूवमेंट क्लास में चाहिए या इस टाइप का हमको टॉपिक चाहिए। जैसे अभी आर्यन शर्मा को पता है कि भाई फिजिक्स इसको ज्यादा जरूरी है, ही इज एस्पायरिंग फॉर द एक्स ग्रुप, एक्स ग्रुप की क्लास आप लीजिए और आप मेरे प्रीवियस रिकॉर्ड को देखिए, और उसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं हम सीडीएस में जाना चाहते हैं, इनकी प्लानिंग है कि एक्स ग्रुप इस बार हो गया तो हो गया, नहीं तो सीडीएस करेंगे, तो उसके लिए सबसे आइडियल प्लेटफॉर्म है दिस इज दैट इज पैराडाइज स्टडी कैंपस। और मैं आपको अन अकेडमी के प्लस पे मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ, जो प्लस पे जो क्लासेज ले रहा हूँ, उसके बारे में मैं जरूर बता दूं आपको कि एनडीए के लिए मेरा एक कोर्स चल रहा है, एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस एनडीए 2021, एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस एनडीए 2021 जो है वो आपको दैट इज अब कंप्लीशन पे है, इस महीने खत्म हो जाएगा, और इस महीने में मैं 2 तारीख से खाली फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं उसमें, और मेरी प्लानिंग है कि इस जनवरी में पूरा कंप्लीट फिजिक्स खत्म करना, 7:45 से 8:45 वो क्लास चलती है, और उसका स्पेशल क्लास मैंने कल 6 जैन से 6:30 शाम में 6:30 to 7:30 पर डे रखा है 10 दिन के लिए, अगले कमिंग 10 दिन के लिए वो ऑलरेडी लाइव है आप देख सकते हैं, तो उसमें एमसीक्यू चलेगा खाली, उसमें दैट इज एनडीए के लिए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो सब डिस्कस होंगे। मैं ज्यादातर अपने प्लस के बच्चों को भी उसी क्लास में सीडीएस के स्पेशल क्लास में ही प्रैक्टिस कराता हूँ, एंड इट इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। और उसके बाद एक मेरी क्लास है दैट इज अगस्त बैच जो है वो अभी ऑलरेडी चल रहा है, उसमें मेरी बायो और केमिस्ट्री फेब एंड मार्च 2021 में होगी। तो जनवरी में आपका हमारा एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस में आपका फिजिक्स हो जा रहा है, और फेब में बायो, अगस्त बैच में, और मार्च में केमिस्ट्री, तो ऑल कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस आपका एनडीए के बच्चों का जो अभी से ज्वाइन कर रहे हैं, जो पहले से तो है ही है। एंड इसके अलावा आपको मेरे सीडीएस सीएपीएफ एफकैट के लिए प्लस पे मेरी क्लास चल रही है जिसका नाम है लक्ष्य सीडीएस 2021, लक्ष्य सीडीएस 2021, मेरा बायोस में खत्म हो चुका है, फिजिक्स चल रहा है, लाइट का चैप्टर चल रहा है 2 दिन से, और वो क्लास 9 to 10 होती है बच्चों। और इन सभी क्लास के लिए आपके पास रेफरल कोड होगा अतुल सिन्हा, अतुल सिन्हा का रेफरल कोड इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, एंड दैट इज उसमें एडमिशन पाइए, 6,500-7,000 में आपको पूरे साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा बच्चों, ओके। और आर्यन शर्मा कह रहे हैं कि दैट इज LLB, अच्छा मेरा बता रहे हैं, और उसके बाद ओके, दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, सी यू, गुड नाइट, जय हिंद, टुमारो 9:10:30 यू विल बी हियर।